नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब पर आपका स्वागत है। ये पाइपलाइन खोदने वाली मशीन है। आज इस वीडियो के अंदर इस मशीन के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा जितना मेरे को पता है। ये आईसर 312 ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है मशीन। ये सुपर डीआई ट्रैक्टर है। इसमें ट्रैक्टर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, पीटीओ चक्कर होते हैं। पीटीओ से चलानी होती है, बस रनिंग करनी होती है, इसके टायरों में रनिंग देनी होती है इसकी। ये है भाई, ये यहाँ से पीटीओ सब डल के ये अंदर से यहाँ चलती है इसकी। ये गियर बॉक्स दिया है इसमें, और गियर बॉक्स की चाल वगैरह यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। इससे गियर वगैरह, ये रहा गियर लीवर, ये पीटीओ की गियर लीवर, जो भी जो टायरों में जो पीटीओ से जो गियर बॉक्स चलेगा उसके लिए ये लीवर है। इधर ये क्लच दी है, मशीन के लिए क्लच दी है। ये हाथ से मशीन बंदा चला ऑपरेट कर सके। ये अपना इधर से हुक वगैरह, और इधर ये हाइड्रोलिक पंप दिया है, जो कि 6 सिलेंडर इंजन रखा हुआ है इसके पीछे। ये 6 सिलेंडर इंजन रखा हुआ है इसके ऊपर, मशीन के ऊपर। और ये हाइड्रोलिक पंप इधर अलग से लगाया है। और इधर जो अगर इंजन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे यहाँ से ये हैंडल से लगा के आप ट्रैक्टर जैसे स्टार्ट करते हो वैसे स्टार्ट कर सकते हो। इधर अपने ये वॉल दिए हैं, ये हाइड्रोलिक वॉल, नीचे ऊपर करने की रेस, इंजन की रेस वगैरह बढ़ाने घटाने के लिए। और ये साइड में टूल बॉक्स दिया है, और ये नीचे गियर बॉक्स लगाया है, जिससे गियर बॉक्स से ये इधर एक और गियर बॉक्स लगाया है बीच में चाल वगैरह घटाने बढ़ाने के लिए। और इससे जो बैक है इन टायरों के अंदर चाल दी जाती है पीटीओ पावर से। ये यहाँ से पीटीओ पावर आती है, और ये बैक एक्सल में आगे मिल जाती है, और ये पीटीओ पावर से टायर घूमते हैं, जिससे इसकी स्पीड डिसाइड हो सकती है। इधर अपना डीजल टैंक रखा है इस पर। ये अपने पीछे बैक एक्सल है, जो इंजन रखा हुआ ऊपर, ये अपना इंजन रखा हुआ है 6 सिलेंडर इसका। ये साथ में गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से ये निकल के साफ्ट, ये पिछले बैक एक्सल में ये एक एक्सल लगा है यहाँ पे, जो कि इधर से ट्यूब लगी हुई है। ये इधर कटिंग करके छोटी कर दी, क्योंकि इस साइड का यूज़ है ही नहीं, और इन्होंने इधर से लगा के प्रॉपर डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाया हुआ है यहाँ पर। ये डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर से इस चैन को आप नीचे करोगे, और जिससे आप गहराई डिसाइड कर सकते हो सिलेंडर से। और इधर से भी ये ऑप्शन दिया है, अगर आप ज़्यादा कम गहराई बढ़ाना चाहते हो, अगर जैसे भी आप करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ये पीछे चैन दी है, और चैन को टाइट या लूज यहाँ से कर सकते हो इस चैन को। ये अपना इधर ट्यूब में ये चैन बैक एक्सल, ये एक्सल दी लगाया है पीछे वाला, इस पर लगा के ट्यूब पर इस पर फिट कर रखी चैन, इससे चलती है घूम के। ये वही हाइड्रोलिक सिलेंडर, दो डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाए हैं। इधर अपना ये इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। ये कंपनी का नाम पे पेंट किया हुआ है, तो 6 सिलेंडर इंजन है। और इधर अपना ये ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में आता है, ये सिंगल ऑयल बाथ एयर क्लीनर है। ये गियर बॉक्स है, ये गियर लीवर दिया है यहाँ पे, जो कि चेन की चाल वगैरह घटाने बढ़ाने के लिए। इधर ये अपना एक क्लच दी है, ये कुछ और ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ये अलग से इसको चलाने के लिए कुछ अलग से लगाया जाता है इसमें, अलग से क्या, गियर बॉक्स जो पिछले वाला गियर बॉक्स है उसके लिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ये उल्टे सीधे चक्कर करने के लिए ऑप्शन बनाया गया है ये मशीन। ये आगे रेडिएटर, ऊपर वाटर कूल्ड इंजन है बड़ा, उसमें पानी डालने के लिए। ये मशीन है भाई, काफ़ी बढ़िया टेक्निक बना रखी है, और इसमें ट्रैक्टर कोई मैटर नहीं करता। इधर अपना टूल बॉक्स दिया साथ में, और ये एयर टैंक भी दिया है, ताकि हवा वगैरह करने के लिए लगाने के लिए। ये है भाई इंजन है, ये लीलैंड का इंजन है, ये रहा लीलैंड का इंजन है, लीलैंड कंपनी का इंजन है ये, 6 सिलेंडर इंजन है। और जैसे भी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो वो ज़रूर बताना कमेंट करके, ताकि मैं आने वाली वीडियो के अंदर उन कमियों को दूर कर सकूं। और जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।